हेलो व्यूअर्स, आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप ऑयल पेंटिंग करते हैं, एक्रेलिक पेंटिंग करते हैं, वाटर कलर करते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आपके ब्रशेज अच्छी तरह क्लीन नहीं हो पाते। तो जब ब्रश आपका अच्छी तरह क्लीन नहीं होगा तो आपका वर्क पे उसका जो है बहुत ही इफेक्ट होता है और ब्रशेज आपके ख़राब हो जाते हैं, बहुत कॉस्टली ब्रश आते हैं। तो इन सब चीज़ों से निजात पाने के लिए हम आपको जो है एक जो है ब्रश क्लीन करने के लिए दिखा रहे हैं। तो आप एक पॉट के द्वारा जो है ब्रश क्लीन कर सकते हैं पॉट के अंदर, या कोई भी आप बर्तन ले सकते हैं, स्टील का ले सकते हैं, कांच का ले सकते हैं, प्लास्टिक का ले सकते हैं, और आप देखें कि उसमें आपके ब्रश बहुत अच्छी तरह से क्लीन होंगे। जो मैं बताने जा रहा हूँ वो वैसे ही आप उसको बनाएं अपने पास। वीडियो में मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, आप अपने घर पर बैठ कर उसको कर सकते हैं। आप वाटर कलर के लिए बना सकते हैं, एक्रेलिक के लिए बना सकते हैं, ऑयल के लिए बना सकते हैं, लेकिन तीनों के जो है अलग अलग तरह के जो है डिपर होंगे जो जिसमें हम जो है ब्रश क्लीन करते हैं। तो उनको बनाना कैसे है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप देखिए, बड़ा ईजी वे है, कोई इसमें आपको ज़्यादा टूल यूज़ नहीं करने, और आपको मैं अभी बताने जा रहा हूँ। ये देखिए, आप मेरे पास एक नेट है, आम नेट है ये, देखिए आप, और काफ़ी सॉफ्ट है। आप हार्ड नेट का भी यूज़ कर सकते हैं, हार्ड नेट करनी जो है काटनी आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, इसीलिए मैंने जो है थोड़ी सॉफ्ट नेट यूज़ की है। तो इस नेट को जो है आप यूज़ कैसे करेंगे, कैसे इसका जो है हम यूज़ करके एक अच्छा जो है ब्रश क्लीनर बना सकते हैं। तो ब्रश क्लीनर बनाने के लिए सबसे पहले हम नेट को जो है एक फ्लैट जगह पर रख लेंगे, और उसके ऊपर जो है जिस बर्तन में हम जो है डिपर बनाना चाहते हैं ब्रश साफ़ करने के लिए, वो कोई प्लास्टिक का जो है उससे हो सकता है, स्टील का हो सकता है, और आयरन का हो सकता है, और एल्युमिनियम का हो सकता है, तांबे का जो है, यानी कॉपर का आप बर्तन यूज़ ना करें ऑयल के लिए, क्योंकि वो थोड़ा सा उसके साथ रिएक्ट होकर कलर को चेंज कर देगा, इस चीज़ का ख्याल रखें। कांच का बर्तन आप यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक अच्छी क्वालिटी का यूज़ कर सकते हैं, और जो कि ऑयल जो है हमारा जो है टारपीन ऑयल जो है टर्पेंटाइन ऑयल जो भी है वो इसके ऊपर इफ़ेक्ट ना कर पाए। तो अब हम बनाने जा रहे हैं डिपर। सबसे पहले जिस भी चीज़ पे आप बनाना चाहते हैं आप उसको इसी पे उल्टा रखें, नेट के ऊपर आप देखिए किनारे के ऊपर रखें, थोड़ा सा आपको और ज़्यादा पीसीज मिल जाएंगे, आप ज़्यादा भी बना सकते हैं डिपर। और स्केच पेन से आप निशान लगा लें उस गुलाई पर। आप देखिए कि ये मैंने निशान दिया आपको क्लीन, आप जरा क्लोज अप करके दिखाएं इनको, देखिए आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से नज़र आ रहा होगा अभी। और अब हम इसको जो है कैसे कट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आप जो है इसकी नेट जो है थोड़ा सा पीछे से कट करेंगे, यानी हाफ इंच और वन इंच, वन एंड हाफ इंच, टू इंच, किसी भी आप स्पेस को यूज़ कर सकते हैं कि आप जो है कितना इस जो है नेट का यूज़ करना चाहते हैं। तो आप इस तरह से नेट को जो है काट लेंगे। हम यहाँ पर जो है हाफ सेंटीमीटर, यानी हाफ सेंटीमीटर का डिपर बना रहे हैं, बहुत कम हम स्पेस यूज़ करेंगे ताकि हमारा जो ऑयल जो है वो कम यूज़ हो और हमारा जो है काम भी जो है अच्छे तरीके से हो जाए। तो इसलिए हमने ये हाफ सेंटीमीटर का यूज़ कर रहे हैं। आप हाफ सेंटीमीटर का यूज़ करके भी बना सकते हैं, अगर आपको लगता है कि थोड़ा ऊपर रहना चाहिए हमारे पास जो है ऑयल, हम वीकली चेंज नहीं कर सकते, हम मंथली चेंज करेंगे या 15 डेज के बाद चेंज करेंगे, तो आप इस नेट को जो है आधा इंच से बढ़ा करके इंच में भी कर सकते हैं। और ये देखिए, मैं अब थोड़ा सा और बड़े स्केल में इसको यूज़ कर रहा हूँ। हम देखिए फिर से वही, आपने चारों तरफ एक सर्कल, जो सर्कल वाला बर्तन है उसी को आपने यूज़ करना है,
उसी का जो है टॉप जो है उल्टा करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और फिर आप इस नेट को जो है कट करें। अभी हम जो है ले रहे हैं एक इंच, पहले हमने हाफ सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिया था और अब हम 1 इंच के करीब चारों तरफ इस सर्कल के जो है चारों तरफ, अगर ये हमारे पास मान लीजिए सर्कल है, मैं आपको पूरा इसलिए क्लियर बता रहा हूँ ताकि आप पूरा इस बात को समझ जाएं। हमारे पास अगर ये सर्कल है तो इस सर्कल के आसपास जो है एक एक इंच का स्पेस है चारों तरफ। आप देखें चारों तरफ एक एक इंच का, नेट पे भी हमारे ऐसा ही स्पेस है। अब हमें इसको कट करना है। कट करते वक्त ध्यान रखें, कट हमें सर्कल तक ही जाके लगाना है। इस सर्कल से हमारी सीजर जो है इस सर्कल तक ही इसको कट करेगी। तो यहाँ पर इसका जो है किनारा है वहीं तक आप इसको कट करेंगे। इसी तरह से आप बाहर वाले पार्ट को सर्कल में कट कर दें कॉर्नर, और फिर आप इसको कट लगाएं। थोड़ी थोड़ी दूरी पर यानी 2 इंच 1.5 इंच की दूरी पर आप जो है कट लगा सकते हैं। और इस तरह से, और इस तरह से आपने कट लगाए, और जो है साइड वाले स्केयर के जो है कॉर्नर हैं वो आपने कट कर देने हैं इस तरह से। अभी हमने कट लगा दिए हैं चारों तरफ और ये आपको कुछ इस तरह से नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से आप जो है इस तरह से आप इसको कट, अलग अलग पीस इसके हमने कट कर दिए हैं। कट करने के बाद जो है हम इन पीस को जो है इसी के ऊपर से सेंटर सर्कल जो हमें नज़र आ रहा है उसको रखेंगे और इसको अंदर की तरफ हम फोल्ड कर देंगे। आप देखें धीरे धीरे भी मैं दिखा रहा हूँ आपको, इन कट्स को आप जो है पुश करके नीचे की तरफ बॉटम की तरफ पुश करेंगे और इनको कट कर देंगे। और इसका जो है आप थोड़ा सा दबाव हाथ में ध्यान से आप यूज़ करें, और ग्लव्स भी डाल सकते हैं आप अपनी हैंड सेफ्टी के लिए। और ये कुछ इस तरह से की लुक आपको नज़र आए, आप देख सकते हैं। मैं चारों तरफ से आपको दिखा रहा हूँ, ये नेट कटने के बाद इस तरह से नज़र आएगा। अब हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको थोड़ा सा और पुश करके अंदर की तरफ डाउन करना है, और डाउन करने के बाद आप इसको जो है इसकी ध्यान देकर, अगर कहीं से भी आपको लग रहा है कि हाँ कोई पार्ट में थोड़ा सा स्लाइटिंग सा बड़ा लग रहा है तो आप उसको इक्वल कर लें। इक्वल करने से आपकी नेट जो है स्पेस जो है एक एक जैसा रहेगी। अब हमारे पास ये नेट तैयार है डिपर में जाने के लिए, और अब हम इसको जो है यूज़ करेंगे। बड़े ध्यान से आप इसका अंदर फिटिंग करते वक्त बस ध्यान रखें, थोड़े जितने भी जो है आपने फोल्ड किए हैं वो सारे फोल्ड उसके अंदर जाने चाहिए। और इस तरह से आप इसको धीरे 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 पुश करके आप इसके अंदर डाल देंगे। आप किसी औजार की सहायता भी ले सकते हैं और किसी भी चीज़ से हेल्प ले सकते हैं। और ये हमारे पास इस डिपर का जो है, हमने इस नेट को इस डिपर तक बिठा दिया। आप देख लें ये बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर फिट हो गई। और जब ये इसके अंदर फिट हो जाए तो आप अब इसमें जो है ऑयल डाल सकते हैं ब्रश क्लीनिंग के लिए। होगा ये कि अगर हम इसमें ऑयल डालते हैं, आप देखिए मैं डाल रहा हूँ ऑयल, ऑयल को इस नेट से ऊपर रहना होगा, ऑयल जो है इस नेट से ऊपर रहेगा। और आपका जो है डिपर ऊपर से खाली है, और ये आप फ्लैट चीज़ का यूज़ करें, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कि जो जो है अप डाउन हो जाए। तो आप देखें हमारा जो है फ्लैट है बिल्कुल। अब आप जो है इस पर ब्रश का यूज़ करके देख सकते हैं, हमारे पास ये ब्रशेस पड़े हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। मैं क्रिम्सन कलर का यूज़ कर रहा हूँ, और क्रिम्सन कलर मैंने यूज़ किया। आप देखें मैं थोड़ा सा इसको ऑयल लगा लिया, ऑयल लगाने के बाद ये मेरा ब्रश बिल्कुल जो है
वेट हो गया है। आप देखें अभी मैं क्लीन करके दिखा रहा हूँ आपको। आप इसको धीरे धीरे इस नेट के ऊपर रब करेंगे। अब आपका जो है ब्रश नीचे बॉटम पे नहीं लग रहा, आप नेट के ऊपर ही लग रहा है। और आप देखें, मैं दिखाऊंगा भी आपको कि कैसे इसको क्लीन ये ब्रश निकला बिल्कुल। आप देखें, अब आप इसको दोबारा ऑयल में, क्लीन ऑयल में भी साफ़ कर सकते हैं, लिंसेड ऑयल में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है बहुत ज़रूरी चीज़ आप लोगों के लिए, आप बना सकते हैं। और आज मैंने आपको ब्रश क्लीनर दिखाया है, और आपको वो भी दिखा रहा हूँ कि जो ब्रश क्लीन नहीं होते उनकी क्या हालत होती है। ये देखिए बिल्कुल हार्ड हो चुके हैं ब्रश, और कुछ इस तरह की हालत हो जाती है। आप क्लोज़अप करके दिखाएं इनको, देखिए काफ़ी हार्ड है ब्रश, और ये बिना क्लीन किए हुए हैं। इनको क्लीन अच्छी तरह से नहीं किया, और ये स्टूडेंट्स ने ऐसे ही छोड़े हैं, ताकि ये देखिए काफ़ी हार्ड हो गया। इसमें लिंसिड ऑयल काफ़ी दिनों तक लगा रहा, और साथ में वार्निश, और ये काफ़ी हार्ड है। इस ब्रश को भी आप बहुत साफ़ रखना होता है, तो इसलिए इसको भी बार बार क्लीन करके रखें। ये फैन ब्रश है, और इसी तरह से देखिए इसमें ब्लैक कलर जम गया, इसके अंदर काफ़ी तरह से थिक पकड़ लिया उसने, इसको स्टिकी हो गया। तो आप इसको जो है क्लीन कर सकते हैं। इस तरह से हमारा जो है एक डिपर का सेशन जो है ऑयल पेंटिंग के लिए आपके लिए था। तो ऑयल पेंटिंग को जो है ब्रश क्लीन करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आप देखें अलग अलग आप बना सकते हैं किसी भी पॉट के अंदर, किसी बड़े बॉक्स के अंदर। तो आपको मैं नेक्स्ट हमारे जो वीडियो में आप देखेंगे वाटर कलर के ब्रश को कैसे क्लीन करना है, वो भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो आप हमारे वीडियोस को फाइंड आउट करें, मैं बहुत अच्छे अच्छे सीक्रेट्स आपको बताने जा रहा हूँ जो हम लोग यूज़ करते हैं, और जिससे हमारे जो है ब्रश क्लीन रहते हैं, हमारी जो है मनी जो सेव होती है, और हमें जो है ब्रश फ्रेश हमेशा मिलते हैं। तो अपने ब्रशेस को हमेशा साफ रखें, तभी आपका काम जो है बहुत अच्छा होगा। हमारी साइट्स पे जाएं, आप हमारी वीडियोस को देखें, लाइक करें, कमेंट्स करें, फ़ोन करें हमें, ईमेल्स करें, तो हमें जो है और खुशी होगी। और बहुत सारे लोगों के जो है ईमेल्स आए हैं उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। जिन लोगों ने फ़ोन किए हैं उनके लिए भी बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।